बेमौसमी बारिश ने जिथे आम लोगों नूं तपती हुई गर्मी तो राहत तां दित्ती है पर इस बारिश के कारण किसानों उत्ते एक बड़ी मुसीबत पई है। किसानों का कहना है कि पहला कणक के झाड़ विच कमी आई जिसका सीधा असर उन्होंने लागत और मिलन वाले मुल ते पिया है और काफ़ी आर्थिक नुकसान होया है जिस नाल किसानों दीआं उम्मीदां ते पाणी फिर गया। रहिंदी कसर तफड़ी रोग ने कढ दित्ती। हुण बेमौसमी बारिश कारण काफ़ी नुकसान होया है। इस वक्त तैयार खड़ी झोने की सारी फसल पानी की मार हेठ आ गई है जिसका काफ़ी नुकसान होया है। इस फसल नूं हुण कोई मंडी विच खरीदण नूं तैयार नहीं होगा। दास कुलविंदर सिंह पंजोला जिला प्रधान बीके जू खोसा रोपड़ तो जी। देखो अज किसानी पहला तो सरकारां ने जो नकली बीज बेचे उन्हें मारते लक तोड़ती कमर टुट गई किसानां दी क्योंकि जो सरकारां ये कारपोरेट घराने गल मिल के पंजाब नूं लुट्टण ते कुट्टण पर हुईयां वी आए किवें वो सोचदे पंजाब नूं खत्म किया जाए उस तरीके नाल पहला जो पहलियां सरकारां आईयां उन्होंने नकली स्प्रेहां बेचियां सानू जो ये आए इन्हां ने नकली बीज बेचे सानू ते हुण जो किसानां दी जो किस्मत चंगी सी उन्हां नूं बीज दूए 26 वगैरह मिले उन्होंने बीजे तो अज वो आ देख लो थोड़े सामने कुदरत दी मार ने किन्ना गोडे गोडे पानी चलता फसल पक्की भी है भी दिन दे एक महीना डेढ़ महीना ही बत्तनी खेत आने तो यह बीज दाणा साडा काला हो जाना बिल्कुल तो शैलर वाले ने यह नखरे करने खरीदनी नहीं साड़ी जो सरकार का रेट आ उस तो खरीदनी नहीं। बेशक सीएम साहब ने कहता कि असी हर एक का दाणा दाणा चकांगे पर मैं नहीं लगता क्योंकि आई वारी साडा मंडियां दे विच आड़तियां नाल यही सैलरां नाल यही गाह पैंदा है तो दूजी ऐतकी मौसम जल्दी सिल आ जानी है ये करके मोचर 22-23 मोचर रहना सर ये 16 पर ले आए घटा घटा के मोचर 22-23 रहना क्योंकि सिल जल्दी आ गई जो ए बेमौसमी बरसात करके ठंड जल्दी शुरू हो जानी ये भी दिक्कत सानू किसानों बहुत पैनी है। मतलब बेचण दे विच भी दिक्कत आएगी जो मंडियां तुसीं जाओगे तुहानू उत्थे भी खज्जल खराब होना पड़ेगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी पिछली साल भी असीं धाने ला ला के इन्हां तों फसल चुकवाई है इस बार तो इन्हां सरकार को 4.5 साल पए इन्हां तों होर नखरे करने हैं इस करके असीं सरकारां तों यही उम्मीद करते हैं इन्हां आस करते हैं इन्हां नूं दसना चाहुंदे हां सरकार नूं तुहाडे माध्यम राहीं कि जिवें होर कंपनियां नूं ज कोई भी कारोबार शुरू करन तों पहलां उन्होंने एक बीमा पॉलिसी भी अलॉट कर दें नाले भी जे तुम आह काम करोगे घाटा पैदा थोड़ा इन्ना बीमा मिलेगा इस तरह ही जो किसानों बीज दिने ये नाले 20-50-100 रुपया जो भी इन्हों वाजब है वो लावे 200 लावे भी बीज के नाले थैली के नाले ले लेना भी जो थोड़ी फसल खत्म होंगी तो थोड़ू यदा 1% बीमा मिलेगा ता जो किसान पर आर्थिक मंदी ना पवे क्योंकि किसान ने तो पहले आड़ती तो पैसे चके होंगे जी अपना आओ आड़ती तो पैसे नहीं मुड़ते वो फिर किसान गल फरा ही लूगा या सलफा सिखाऊगा होर उसके को रास्ता नहीं रहता बच्चों फीसा होनिया तो स्कूलों वर्दियाँ होनिया होर बड़िया महंगी जी डीजल पेट्रोल का रेट देख लो कितने हो गया वो किसान पर मारू है ट्रैक्टर के रेट क्या हो गए क्योंकि जिहड़ी सरकार चीज़ सस्ती करने चढ़ सकती है वो सस्ती नहीं करती डी ए पी का 1250 तो 1400 पर ले गए वो 500-600 मिल सकता किसान को उत्थे राहत मिल सकती यूरिया का थैला घटा सकता स्प्रेहां के रेट घटा सकते पर नहीं ये किसानों नूं मारन पर लुट्टन पर कुट्टन पर तुरी वे आ इन्हां नूं ये है भी पता नहीं किन्नी काम देना किसानों पर ग्राउंड जीरो ते आके कोई नहीं देखता साडी सार। दास बीके जो खोसा ब्लाक प्रधान जगरूप सिंह मियाँ तो मैं तो यही अरदास करदा जी सब नूं भी बेनती करदा वाहिगुरू ने बहुत साडे मार करी है सरकारां नूं भी बेनती करदा भी पहला असीं 20 दिन हो गए जी 25 दिन पहला झोने बारे कही गए भी साडा गुरदौरी कराओ साडी गुरदौरी कराओ गुरदौरी ना करावे कोई हुण गुरदौरी कराउण लगे ते हुण मीह ने इन्ना साडा नास मारता जी वाहिगुरू ने करोपी इन्नी लिआंदी पहला साढ़े स्किन लम्मी स्किन चली है जी हूँ साढ़े झोने पर हो गया जी हूँ गन्ना साढ़ा देखा गन्ने का नाश बजे पाई गया सू आसा होनी गन्ने पर कुछ ना कुछ बनूगा जो लंबा पै गया ना तो जी उन्हें आना ही ना चूहे ने छड़ना वह कख भी नहीं रहना जी मैं दसता बेनती करते हैं सरकार तो भी सानू कुछ ना कुछ सरकार किसानों वास्ते सोचन ता कि असी जूते जागते रह जाइए कि सानू आ तो हम त्या ना करनिया पैन मैं तो यही बेनती है सरकार को बी इना मुआवजा कराया जाए बीमा कराया जाए जी भी अपने जिनी भी गुरदौरी रही गुरदौरी कराई जाए। कणक का बड़ा नुकसान होया सानू बहुत घाटा पिया बाद जीरी की फसल जी खराब हो बीमारी पै गई बहुत नुकसान होया बाद होना देखो पानी नाल कितना नुकसान हो रहा है जिमीदार चारे पास घाटा ही घाटा पै रहा है कोई भी सरकार कोई नुमाइंदा कोई आउंदा नहीं कोई पुछदा नहीं कोई किसी पास कोई गल नहीं करते हैं जिमीदार हमेशा धक्के का शिकार होंदा उन्हें हमेशा बी लुट सुट उसकी हर थां होंदी है जिथे भी वह मर्जी चले जाओ उन्होंने हरे तो धक्के ही पैने हैं मंडिया चले जाओ उत्थे भी वह रुलदा है कई कि फसल नहीं चक होंगी है
ਬਈ ਜੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਸਲ ਗਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।